बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलात वस्सलाम अला मन ला नबिय्या बाद। मुअज़्ज़िज़ तलबा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आपके सामने मैं मुख्तसर टाइम, आज हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं, कोशिश करेंगे कि हम इन 15 मिनट्स के अंदर कोई चार अहादीस सीखें। वो चार हदीस ऐसी होंगी जिनका आगाज़ लफ्ज़ ला से शुरू होगा। आज आपके सामने चार हदीसें मैंने ऐसी बयान करनी है जिसका आगाज़ किसके साथ होगा, लफ्ज़ ला के साथ होगा। यानी ये ला ऐसा ला है, इसके अंदर बड़ी पावर है, इसके अंदर बड़ी पावर है। जब ये ला आ जाएगा, जिस काम के शुरू में, किसी हुक्म के शुरू में, वो काम शरीयत के अंदर जायज़ नहीं होगा। तो बग़ैर किसी तमहीद को बांधे लंबी, मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जो कलमा नबी अली सलातो वस्सलाम पर नाजिल हुआ, आप अली सलातो वस्सलाम को जब नबी बना दिया गया तो आप अली सलातो वस्सलाम ने पहला जो जुमला बोला था, कोहे सफ़ा के ऊपर चढ़ गए, पहली वही जब नाजिल हुई और आप अली सलातो वस्सलाम को नबी बना दिया गया, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने यह हुक्म दे दिया कि जाइए, जा करके जो हुक्म इस वही के अंदर आपको दिया गया है वो आप जाके लोगों को सुना दीजिए। और अरब के अंदर ये दस्तूर था कि कोई बंदा कोहे सफ़ा यानी सफ़ा की पहाड़ी पर, पहाड़ पर चढ़ जाता और जो भी अनाउंसमेंट करता, ऐलान करता, तो मेरे अजीज साथियों वो एक ख़तरे की घंटी समझा जाता था। तो नबी अली सलातो वस्सलाम ने कोहे सफ़ा पर जब चले गए और आप अली सलातो वस्सलाम ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया, फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया ए अहले अरब, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता हूं। सबसे पहली दावत जो नबी अली सलातो वस्सलाम ने दी वो किसकी दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारी क्लास का पहले हदीस जो मौजू है वो लफ्ज़ ला से हदीस शुरू होने वाली है। इस ला को अरबी के अंदर लाए नफी जिंस कहा जाता है, यानी जितना भी उस हदीस, उस लफ्ज़ के बाद कोई काम शुरू होगा वो आपने हरगिज़ नहीं करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कोई इला नहीं है। अब यह लफ्ज़ ला आ गया, इसने जितने भी माबूदाने बातला थे उन सब की नफी कर दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं है। तो मेरे अजीज साथियों, फिर अल्लाह सुबहान व ताला ने इल्लल्लाह का लफ्ज लेकर के आए, क्योंकि अहले अरब पता क्या करते थे, वो बड़े तेज थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल करके इल्ला आगे अपने बुत का नाम, अपने खुदा का नाम ला देते थे। तो अल्लाह सुबहान व ताला ने, चूंकि वो तो अलीम बिजात सुदूर है, वो तो फ्यूचर के मामला जो इंसान बनाता है, तो मेरे अजीज साथियों वो अल्लाह सुबहान व ताला पहले जानते हैं। तो अल्लाह सुबहान व ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह, आप मेरी तरफ देखिए, छोड़ दीजिए, अल्लाह सुबहान व ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया कि कोई इलाज नहीं, कोई इला नहीं है। पहले उन्होंने 360 बुत ना बैतुल्ला के अंदर सजाए हुए थे, लात मनात उज्जा हुबल वगैरह सब बुत सजाए हुए थे। यानी अगर बेटे मांग रहे हैं तो एक बुत के साथ सामने जाते थे, अगर बेटियां मांगनी है तो फलां बुत के सामने, बारिश मांगनी है तो फलां बुत के सामने, रिजक मांगना है तो फलां, यानी 360 बुत मुख्तलिफ कैटेगरी के बनाए हुए थे। और जो जो उनको मसला दरपे होता वो उस बुत के सामने चले जाते। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार वो 360 बुत बनाए हुए थे, तो आज का जो मुसलमान है उसने 360 बुजुर्ग बनाए हुए हैं, 360 बुजुर्ग बनाए हुए हैं। जनाबे वाला ये बुजुर्ग के पास जाना है, ये अब्दुल्ला शाह, वो जो बुजुर्ग है ना हमारे लिए बायसे तकरीम इज्जत है। मुझे यकीन है कि इन बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा होगा कि मेरी कब्र के पास आना और आकर के मुझसे हाजते मांगना है। तो मेरे भाइयों, अब हम ये दूर नहीं जाते हैं, ये कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी हैं,
वो अब उनसे पूछा है जी तूफान क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, कहते हैं जी बाबा जी ने इनको रोका हुआ है। पर अल्लाह के बंदे, बाबा जी कैसे रोक सकते हैं, वो तो बेचारे मर के खुद कब्र में नहीं जा सके, अपने आप को गुसल कफन नहीं दे सके, ये बेचारे समंदर को कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए शिरक की इब्तिदा आपको पता किस नबी के दौर में हुई मेरे अजीज साथी, शिरक की इब्तिदा आदम अली सलातुस्सलाम के दौर में नहीं हुई है। बिल्कुल शिरक से बड़ी जो वक्त है वो आदम अली सलातुस्सलाम का इब्तिदा नहीं हुई। अब किससे इब्तिदा हुई, ये जनाब नूह अली सलातुस्सलाम से शिरक की इब्तिदा हुई। याद रखिए कि 15 मिनट्स हैं, तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा और मामला था, तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमने इसको करना है। आज शौकत साहब भी नहीं है और वो उनकी याद भी आ रही है टाइम के लिहाज से। तो नूह अली सलातुस्सलाम से शिरक की इब्तिदा हुई, अल्लाह सुबहान व तआला के इस नबी के दौर में कैसे इब्तिदा हुई, ये इब्तिदा करने वाला आप जानते कौन है, ये शैतान है। उनके दौर के अंदर 5 नेक बुजुर्ग थे, क्या थे जी, नेक बुजुर्ग थे, वो बड़े नेक अल्लाह वाले, अल्लाह की इबादत परस्तिश करने वाले लोग थे। तो मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह सुबहाना व ताला ने उनको वक्त मुकर्रर हो था, जिंदगी गुजारी, अपने पास बुला लिया, मौत आ गई, मौत आ जाने के बाद वो 5 बंदों की ना, शैतान ने कहा कि अब इस मुझे इनको वगराना बड़ा आसान हो गया। उन्होंने कहा कि यार तुमने अगर अपने अंदर इबादत का जोश जज्बा पैदा करना है ना, वो जो 5 अल्लाह वाले थे, आप उनकी तस्वीरें अपने घरों में लगा लो, और जब तुम तस्वीरों को देखोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर भी इबादत का शौक पैदा हो जाएगा, तो लिहाजा ये काम करो। तो जनाबे वाला उन्होंने ऐसा किया, करते करते टाइम गुजरा, आदत बन गई, उनको तबर्रुक के तौर पे लेने लग गए। तो उसने कहा कि भाई इस तरह को तस्वीरों को वहां से हटा के जब नमाज पढ़ो तो थोड़ा सामने रख लिया करो, ताकि मजीद तुम्हारा इबादत के अंदर दिल लगा रहे। अल्लाह, करते करते मेरे भाइयों उन तस्वीरों के बुत बना दिए, बुत बना करके अपनी हाजात मनाजात इबादतें मदद बिगड़ियां सब कुछ उसके सामने रखने लग गए। करते करते ये बुत परस्ती शुरू हो गई। तो ये पहला नबी जिसके दौर में बुत परस्ती शुरू हुई वो नूह अली सलातुस्सलाम थे। इसलिए इस नबी को आदमे सानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, आदमे नूह सानी, आदमे सानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले नबी हैं, इनके दौर में शिर्क की इब्तिदा हुई। तो नूह अली सलातुस्सलाम के दौर में ये शिर्क की इब्तिदा करते 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 आज तक ये शिर्क मेरे भाई मुख्तलिफ किस्मों से हो रहा है। तो अल्लाह सुबहाना व ताला के प्यारे नबी ने कोहे सफा पे गए, जाकर के क्या कहा, क्या कहा, कूलू मुहम्मया। ये इससे पहले भी कुछ बड़ी सख्त बात है, आपको बता, जब आप तौहीद की बात करेंगे ना तो मेरे भाइयों फिर आपके सारे दुश्मन हो जाएंगे, यहां तक के घर वाले भी दुश्मन हो जाएंगे। जब आपने उनको इबादत दावत दी ना, इबादत की, अल्लाह ताला की, एक वहदानियत की, अल्लाह के बरहक होने की, तो अल्लाह सुबहान व ताला के प्यारे हबीब ने कहा, ऐ कुरैश की जमात मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। सब इकट्ठे हो गए, क्या बात करना चाहते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये कहूं कि मेरे पीछे एक लश्कर जरार तैयार खड़ा तुम पे हमला करने के लिए, क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? तो लोगों ने कहा, मा जर्रबना का इल्ला सादिका, हमने तो हमेशा आपको सच्चा ही पाया है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो फरमाया कि मैं तुम्हें कूलू अहले अरब, कूलू तुम कहो, क्या, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह सुबहान व ताला की जात है। जब ये कहना था तो मेरे भाइयों सबसे पहले जो मुखालफत की आपके घर से की, और आपके सगे चचा अबू लहब ने की, क्या फरमाया, फरमाया आपने हमें इसलिए जमा किया था, इस काम के लिए जमा किया था, तब बल्ला का या मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लम, अल्लाह तेरे जो ना तेरे हाथ टूट जाए, तू गारत हो जाए, बर्बाद हो जाए, इस काम के लिए, एक अल्लाह की दावत देने के लिए। तो मेरे अजीज साथियों, ये पक्की ठक्की बात है कि जब आप तौहीद की दावत देंगे आपको आजमाइशों का, अपनों और बेगानों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा।
तो मेरे अजीज साथियों, अब हम पहली हदीस जो मैंने आपके सामने रखी, जो आपने कोई सफा के अहले अरब के सामने रखी, वो कौन सी थी जी? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह के कौन इसके बाद अल्लाह है। अल्लाह ने पहले जुमले में जितने भी माबूदाने बातला थे ना, झूठे माबूद थे, उनकी नफी कर दी, इल्लल्लाह कह करके एक सच्चे अल्लाह की तस्दीक फरमा दी। तो सब हमारा ये यकीन है ना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये मेरे अजीज साथी, ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला ये बड़ा पावरफुल जुमला है। आपको पता है कि नूह अली सलातो यूनस अली सलातो वसलाम, जब अल्लाह का हुक्म इशारा नहीं आया था, उसके बगैर अपनी कौम से निकल गए। और निकल करके कहां चले गए? जाने लगे, कश्ती पर सवार हो गए, कश्ती हिचकोले खाने लगी, मूवमेंट शुरू कर दी। तो मल्लाह कहने लगा कि आज मेरी कश्ती से पहले तो कभी ऐसा मेरे साथ मामला नहीं पेश आया, लगता है कोई ऐसा बंदा जरूर है जो अपने मालिक की इजाजत से आया है। तो जनाजे उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने वो कुरान दादी शुरू कर दी। कुरान दादी शुरू की तो जब सबका नाम डाला तो यूनुस अलैहि सलाम का निकल आया, फिर डाला, फिर तीन दफा डाला, तीनों दफा कुर्रा यूनुस अलैहि सलाम के नाम का निकला। तो मल्ला ने कहा कि भाई अब आपको यहां से जाना पड़ेगा, वरना अगर आप नहीं छलांग लगाए तो सारी कश्ती डूब जाएगी, लिहाजा आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। उन्होंने पता क्या किया, छलांग लगा दी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह सुबहान व तआला ने किसको तैयार कर रहा था समंदर के अंदर? दरिया समंदर, मछली को तैयार कर रहा था। जैसी छलांग लगाई, मछली ने मुंह खोला हुआ था, सीधे मछली के पेट में चली। तो मेरे अजीज साथियों, कितने यूनुस अलैहि सलातो सलाम मछली के पेट में चले गए। कुरान कहता है कि यूनुस अलैहि सलातो सलाम ने अंधेरों में अल्लाह को पुकारा। अब मुफस्सरीन कहते हैं कितने अंधेरे थे, कहते हैं एक रात का अंधेरा, एक समंदर की लहरों का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा। कितनी अंधेरों में कौन सा जुमला पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, मैं ही जालिम हूं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ला इलाहा, इसे आयते करीमा भी कहते हैं ना हम। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इसके अंदर तीन खूबियां हैं। कितनी खूबियां हैं इसमें? ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है, और फिर सुबहानक अल्लाह की तस्बीह है। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, इसमें इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह मैं ही ज़ालिम हूं। यानी आप तीन एक पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, कितने आपको इसमें जुमले मिलते हैं? तीन, तौहीद, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार। तो मेरे अजीज साथियों, पहला जो हमारा आज का जो हदीस का जुज था, हिस्सा था, या पहली हदीस थी, वो ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने बात कही तो आपने फरमाया, तुम ये कह दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं, तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह की बादशाहत सिर्फ उसकी तुम जुबान से इकरार कर लो, मैं मोहम्मद सल्लम तुम्हें ये गारंटी देता हूं, अल्लाह तुम्हें अरब और आजम का बादशाह बना देगा। और याद रखिए, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सदके दिल से अल्लाह की कसम एक दफा कह दिया, वो इंसान जन्नत में जरूर जाएगा। तो आप हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा की तस्दीक करते हैं ना। आइए दूसरी हदीस जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह से, जो ला लफ्ज ला से शुरू होती है, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। कुरान मजीद में भी सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। आप अल्लाह के रसूल हैं, किसी के माई बाप नहीं हैं आप, और आखिर में क्या फरमाया, आप आखिरी नबी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। ठीक है, और अरबी में पता खातिम किसे कहा जाता है? खातिम अरबी में मोहर को कहा जाता है, और मोहर से पहले भी खातिम लफ्ज अंगूठी पर बोला जाता था। ठीक है जी, किस लिए बोला जाता था? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी ना, उस पर अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था जी?
अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम उस अपनी अंगूठी को मोहर का काम लेते थे। क्या लेते थे जी? कोई तहरीर लिखते, तहरीर लिखने के बाद आखिर में क्या खातिम का मतलब होता है कि अब ये मोहर के बाद इबारत खत्म हो गई। मोहर के बाद इबारत क्या हो गई जनाब? खत्म हो गई। अब मोहर के बाद वाली इबारत का लिखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यही होता है ना कि तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो यहां लफ्ज ला आ गया, लफ्ज ला ने आकर के हमें यह बता दिया कि ला नबी या बादी, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। अब कोई बंदा आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई दावा करे, कोई ये दावा करे कि मैं नबी हूं, तो वो क्या होगा? वो झूठा होगा। चाहे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे उसका जो खलीफा मसरूर कादियानी हो, कोई भी दावा कर दे उसका ताल्लुक किसी फिरके से हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो बंदा कहेगा ना मैं नबी हूं, मैं अहमद हूं, तो आपने उसको क्या कहना है? झूठा है, कज़ाब है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। अगर नबी आना होता तो कौन आता? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आते। फरमाया लौ कान बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद नबी आना होता तो कौन आता? लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, तो वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी होते। अब मेरे बाद नबी नहीं है तो लिहाजा उमर बिन खत्ताब नबी नहीं है। तो मेरे भाइयों ला नबी, यहां लफ्ज ला ने आकर के बतला दिया कि कोई नबी नहीं है अल्लाह के रसूल के बाद। मैंने कहा था कि लफ्ज ला के बाद कोई जुमला आएगा, ये लफ्ज ला उस सब की तहस नहस कर दे। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर इल्लल्लाह, अल्लाह है। यहां ला नबी या बादी, कोई नबी नहीं है, कोई नबी। यहां झूठे नबी की ला ने आकर के समझे कि मां को ही मार दिया है। हम वो एक जुमला बोलते हैं कि बीज ही खत्म कर दिया है, बुनियाद ही खत्म कर दी है। तो ये दूसरी हदीस थी। तीसरी हदीस मेरे अजीज साथियों पता है कौन सी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला निकाह इल्ला बि वलीजिन, ला निकाह इल्ला बि वलीजिन। यह आखिरी हदीस, ला निकाह इल्ला बि वलीजिन। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं है, वली के बगैर नहीं है। अब याद रखिए वली की किसको जरूरत होती है? ला कोई निकाह नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई निकाह नहीं कर सकता मगर वली की इजाजत के बगैर। अब वली की किसको जरूरत होती है मेरे अजीज साथियों? बंदे को, दूल्हे को, खामद को, बनने वाले को वली की जरूरत नहीं होती। ये वली की जरूरत होती है औरत को, चाहे वो पहली शादी कर रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसको किसकी जरूरत होगी? वली का। वली कौन बन सकता है? बाप बन सकता है, बाप नहीं तो बड़ा भाई भी बन सकता है, मामू भी बन सकता है, चाचू भी बन सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं है, दूर करीब का रिश्तेदार। तो मेरे भाई उस वक्त का जो सुल्तान होगा, ठीक है, जो हुक्मरान होगा, उस औरत का वली बन करके उसका निकाह करवा सकता है। तो अब हम क्या कहते हैं जनाबे वाला? बगैर वली के शादी नहीं हो सकती, कोई भी निकाह नहीं हो सकता। और याद रखिए कोई औरत आप कहेंगे कि जो शादी में करते हैं तो वहां वली होता है? वहां वली नहीं होता। तो अब जब आप उस हदीस को देखते हैं तो मेरे भाई साफ शफाफ हमें बड़ी जोर जोर से चीख चीख के कह रही है कि ये शादी नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने जुमले को तीन दफा दोहराया, ला निकाह इल्ला बि वलीजिन, ला निकाह इल्ला बि वलीजिन, ला निकाह इल्ला बि वलीजिन। कोई निकाह नहीं वली की इजाजत बगैर, कोई निकाह नहीं वली की इजाजत बगैर, कोई निकाह नहीं वली की इजाजत बगैर। अब जो भी बगैर वली के निकाह करेगा उसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि ये जो ला लफ्ज आया है ना, इसने निकाह की जितनी किस्में है ना जी, सबको हराम करा दिया है विदाउट वली के।
تو عزیز آنِ گرامی یہ تیسری حدیث تھی. چوتھی اور آخری حدیث جناب طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کنٹینیو کریں. آخری چوتھی اور آخری حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میرے عزیز ساتھیوں یہ لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے. وہ نماز مطلب فرضی نفلی جماعت کے ساتھ ود آؤٹ جماعت گھر میں تراوی نظر کی نماز کہ کوئی بھی نماز تسبیح نماز نماز جنازہ ارے کوئی بھی قسم ہے نماز کی کوئی نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. ہاں اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اکیلے ہیں تو میرے عزیز ساتھی فاتحہ پڑھنی پڑے گی. آخری بات فاتحہ کیوں پڑھنی پڑے گی؟ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے. کیا ہے جی؟ سورۃ فاتحہ ہے. اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہ اکبر. اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ پوری عبادت کا خلاصہ ہے. اللہ کے بندو اللہ سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی نبی رسول زمین پر نہیں بھیجا لیکن وہی اس کو کیا کی نوح الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی آپ جا کر کے ان کو بتا دیجیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر میری ہی عبادت کرنی. اور قرآن میں پہلا حکم عبادت کا ہے. پہلا حکم جو ہے نا الف لام میم پارے میں فرسٹ پارہ میں یا ایھا الناس اعبدوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو تم اس ذات کی عبادت کرو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا. اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے. وما خلقت ابھی جناب قاری صاحب امام صاحب نے پڑھا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور انسان تیری اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد وایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے عزیز ساتھی جب ہم فاتح آخری پوائنٹ کوئی بات یاد اچھی ہے جو سورۃ زاریات میں ہی آتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون. تو قاری صاحب نے شاید یہ جملے آیت نہ پڑھی ہوں. تو میرے عزیز ساتھیو اب جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین جامع ترمذی کی روایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے حمیدنی عبدی. کیا فرماتے ہیں جی؟ دیکھو فرشتو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے نا ما الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی فرشتو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یار آپ نہیں چاہتے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور عرش والا صاحب عرش جو ہے وہ آپ کی اس کا جواب دے؟ چاہتے ہیں آپ لوگ سب؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ضرور کریں گے. میں نہیں کہتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے مگر اس کی جو فاتحہ پڑھتا ہے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کیونکہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی بات کو ہم نے ماننا ہے. آج ہم نے چار آپ کے سامنے لفظ لا والی حدیثیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی کون سی؟ لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم. نمبر دو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نمبر تین لا نکاح الا بولی جن ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے. نمبر چار لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ حقیقی معنوں میں کہنے فاتحہ پڑھنے ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرنے اور
अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी तसव्वुर करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।